इंडिया और चाइना आपस में अप्रोक्सीमेटली 3500 किलोमीटर का जो बॉर्डर है वो शेयर करते हैं, लेकिन उस बॉर्डर के ऊपर कंटिन्यूस आपस में डिस्प्यूट रहते हैं। कल ही ये वाकया सामने आया कि इंडिया ने जो प्रोटेस्ट है चाइना से किया है, क्योंकि चाइना ने जो इंडिया की प्रॉपर्टी थी, मतलब जो टेरिटरी थी, उसको क्लेम करना शुरू हो चुका है। इस वक्त इंडिया और चाइना के दरमियान आपस में जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो कंटिन्यूस बढ़ रहा है, और मे बी फ्यूचर में ये बहुत ज्यादा हो जाए, क्योंकि इस वक्त चाइना ने जो इस वक्त इंडिया का बहुत ज्यादा पार्ट है उसको क्लेम किया है, अपने नक्शे में मिला लिया। इस वक्त इंडिया प्रोटेस्ट कर रहा है, स्ट्रांग प्रोटेस्ट कर रहा है, और चाइना की मिन्नतें कर रहा है। एक तो इंडिया का रिस्पांस होता है पाकिस्तान के खिलाफ, इंडियन जो डिफेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान को कहते हैं हम एलओसी क्रॉस कर लेंगे अगर जरूरत पड़ी, तो इसी तरह एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इंडिया और चाइना किया है, उसके बारे में तो ऐसा रिस्पांस नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ प्रोटेस्ट कर रहा है। बड़ा हाथी के सामने इंडिया चुप करके बैठ गया। असल में वजह होती है इकॉनमी, क्योंकि चाइना की इकॉनमी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इंडिया उसको टक्कर नहीं दे सकता। आपको सारा डिटेल से बताएंगे, आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये चाइना ने कल सारा मैप इसको अपलोड किया है दुनिया के सामने, उनको दिखाया है। इस वक्त ये चाइना का न्यू मैप है, स्टैंडर्ड मैप है। उन्होंने बहुत सारे पार्ट क्लेम किए हैं साउथ चाइना सी के, ताइवान के, इंडिया के। इस वक्त इंडिया ही एक ऐसा मुल्क है जो टक्कर देने जा रहा है, लेकिन पॉसिबिलिटी अगर टक्कर देगा चाइना को तो इंडिया की उसमें बहुत ज्यादा परेशानी है, इंडिया वो चीज हार जाएगा। अगर बात की जाए, इंडिया इस वक्त छोटा सा मुल्क है एज कंपेयर टू चाइना, क्योंकि चाइना की जो इकोनॉमी है बहुत ज्यादा है, दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट है। जो उसने अपने इलाके में क्लेम किया सबसे पहले है एक्साइज चीन। एक्साइज चीन को कौन क्लेम करता है? इंडिया। इंडिया कहता है ये भी कश्मीर का हिस्सा है, लद्दाख का हिस्सा, यहां पर मेरी हुकूमत बनेगी। लेकिन यहां पर इस वक्त हुकूमत जो है वो चाइना की है, चाइना यहां पर अपनी जो टेरिटरी है बना के रखा हुआ, क्योंकि पाकिस्तान और इस वक्त चाइना के दरमियान भी एक मुआहदा हुआ था। और दूसरा सबसे बड़ी जो स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, ये है वो असल रीजन जहां पर जो मामला है वो खराब होने वाला है, क्योंकि चाइना के लिए ये स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिया के लिए भी स्ट्रेटेजिकली ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश ऐसा इलाका है, तिब्बत को कहता है चाइना, तिब्बत का ये साउथ है, तिब्बत का ये पार्ट है। असल में वजह क्या है, यहां पर जो माउंटेन्स की पीक है, असल में ये जो हिमालय की रीजन है यहां पर सारे फॉरेस्ट हैं और बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। तो चाइना इसको क्लेम करता है, चाइना कहता है कल को इंडिया मुझे यहां पर बैठ के धमकी ना दे, क्योंकि यहां पर जो हाइट है पीक्स की वो बहुत ज्यादा है। यहां पर फ्यूचर में जो इंडियन मिलिट्री है, लेट्स सपोज अपनी जो गन्स हैं वो रख ली, मिलिट्री गन्स, तो चाइना को बहुत ज्यादा खतरा होगा, वो डायरेक्ट चाइना को हिट करेंगी, चाइना को बहुत ज्यादा नुकसान करेगी। इसी वजह से चाइना इस इलाके के ऊपर क्लेम करता है, उसको अपना हिस्सा मानता है और उस पर अटैक करने की तैयार है। इसी वजह से यहां पर जो इंडियन मिलिट्री है कंटिन्यूस रहती है, यहां पर जो प्रेजेंस है इंडियन मिलिट्री की बहुत ज्यादा है। इससे क्या है, इंडिया को बहुत ज्यादा खतरा होता है जब इंडियन मिलिट्री की प्रेजेंस बहुत ज्यादा होती है, विंटर में प्रेजेंस बहुत ज्यादा होती है। ऑब्वियसली सामने क्या है, सर्दियां आ रही हैं, तो सर्दियां में जो मिलिट्री की प्रेजेंस है वो बहुत ज्यादा होगी, तो खर्चा भी बहुत ज्यादा होगा, इंडियन इकोनॉमी बैठ जाएगी। इसी वजह से चाइना यहां बहुत अच्छे तरीके से इंडिया को नुकसान पहुंचा रहा है। अब सूरत हाल क्या है, यहां पर अरुणाचल प्रदेश से बहुत ज्यादा इस वक्त यहां से जो दरिया है वो निकलते हैं, बहुत ज्यादा दरिया निकलते हैं, अप्रोक्सीमेटली 15। जिस तरह हमारे पास दरिया सिंध है वो भी तिब्बत से निकल रहा है, मानसरोवर रेख से, इसी तरह से ब्रह्मपुत्रा इंडस से बहुत बड़ा दरिया है वो भी मानसरोवर रेख से निकल रहे अरुणाचल प्रदेश में दाखिल होता है। इसी तरह जब चाइना इस इलाके पर अटैक करेगा, अपने आप में मिलाएगा, तो इंडिया का सारा पानी कंट्रोल कर लेगा चाइना, चाइना उसको क्लेम करेगा। इसी वजह से इंडिया इस इलाके के लिए मरने के लिए तैयार है। और इसी तरह जो इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड नहीं होता, क्योंकि मिलिट्री की जो प्रेजेंस है वो बहुत ज्यादा है। लेट्स सपोज अगर चाइना इसको क्लेम कर लेता है तो इंडिया की जो इस वक्त जो म्यांमार के साथ, थाईलैंड के साथ जो आपस में ट्रेड है वो रुक जाएगी, क्योंकि यहां पर अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ मिलता है, ये है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। इसी वजह से यहां पर इंडिया मरने लड़ने के लिए तैयार है, इस इलाके को चाइना को देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया कर रहा है, यहां पर इंडिया है लेकिन क्लेम चाइना करता है। अब दूसरी सबसे बड़ी रीजन दलाई लिमा, दलाई लिमा तिब्बत का स्पिरिचुअल लीडर है, वो भी यहां पर भाग के आया है, उसकी जो बर्थ प्लेस है यही है। इसी वजह से चाइना कहता है जो तिब्बत है मेरा पार्ट है, दलाई लिमा अगर पकड़ा गया वहां से तो जो तिब्बत की जो इस वक्त सेपरेशन है वो भी कम हो जाएगी। इसी वजह से चाइना बहुत ज्यादा क्लेम करता है इसी वजह से।
और ये नहीं है उसने सिर्फ अरुणाचल प्रदेश, अक्साई चीन, इंडिया के पार्ट्स को अपने साथ मिलाया, वो बहुत ज्यादा साउथ चाइना सी का जो रीजन है वो क्लेम करता है इस समय ताइवान को अपने साथ मिलाना चाहता है, क्योंकि ताइवान जो सेमीकंडक्टर की प्रोडक्शन में दुनिया के नंबर फर्स्ट पे आता है। इसी तरह साउथ चाइना सी किस वजह से इंपॉर्टेंट है उसके भी ऊपर भी क्लेम करता है, क्योंकि यहाँ पर जो ऑयल एंड गैस है वो एक्सप्लोर नहीं हुई, तो इसी वजह से चाइना इसको क्लेम करता है। और दूसरी सबसे बड़ी वजह, यहाँ पर जो ट्रेड है, शिपिंग है, वो बहुत ज्यादा होती है, उससे भी रेवेन्यू जनरेट कर सकता है चाइना। इसी वजह से इस इलाके के ऊपर बहुत ज्यादा अमेरिका की प्रेजेंस है, चाइना की प्रेजेंस है, अपनी मिलिट्री बेसिस समुंदर के अंदर चाइना बना रहा है। इसी वजह से इस वक्त चाइना अपने आप को एशिया का सबसे बड़ा टाइगर बनाने जा रहा है दुनिया के अंदर। इसी वजह से वो ताइवान, साउथ चाइना सी, अरुणाचल प्रदेश, इंडिया को काउंटर करना चाहता है। आप क्या सोचते हैं, क्या फ्यूचर में इन दोनों के दरमियान वार एस्केलेट होगी या नहीं होगी? मैं समझता हूँ होगी, क्योंकि अभी इस वक्त चाइना जो है इंडिया को बहुत ज्यादा परेशान किया हुआ है। कुछ ही दिन पहले के दोनों लीडर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी और चाइना के लीडर जी जिनपिंग, साउथ अफ्रीका में मिले, वहां पर उन्हें क्या कहा, बॉर्डर की जो टेंशन है वो डी एस्केलेट करेंगे, मतलब कम करेंगे। उसकी मीटिंग के बाद ही क्या है, ये रेयर मीटिंग थी, लेकिन उसके बाद ही इंडिया के खिलाफ चाइना क्लेम करना शुरू करके अरुणाचल प्रदेश मेरा हिस्सा है, मैं यहाँ पर हमला करूंगा, यहाँ पर अटैक करूंगा, क्योंकि इन दोनों के दरमियान पॉसिबल है बहुत जल्द वार हो। जब 1962 की वार हुई तो अक्साई चीन के साथ जहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, इंडिया ने वहां पर अपनी गन रखकर चाइना के ऊपर अटैक किया। इसी वजह से चाइना वो इलाका खोना नहीं चाहता, उस इलाके को क्लेम करता है। इस वक्त इंडिया स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्ट कर रहा है और कोई उसके पास हल नहीं है, चाइना ने उसको अपने साथ मिला रहा है। और बहुत जल्द जो G20 की मीटिंग है वो कश्मीर के अंदर होने जा रही है, इसको भी बड़ा सेटबैक मिलेगा, और इंडिया के अंदर जो एंटी चाइना नरेटर है वो भी पाया जाएगा। देखते हैं फ्यूचर में क्या डेवलपमेंट होती है। वीडियो को लाइक करें, अगर आपका कोई सजेशन है नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। की वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस। मेरा ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।